वेलकम स्टूडेंट्स, आज वर्कशीट नंबर 27 देखने वाले हैं। 6th to 8th क्लास के लिए ये हम इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए हम देखेंगे। आपको जैसे इसके अंदर पसंद हो आप उस लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं हिंदी में। भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, पंचायत, ग्राम पंचायत, इस तरीके की जो शासन होता है उसे कहते हैं संघीय शासन, जिसका दूसरा नाम हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट। भारत में सरकार 3 स्तर पर बांटी हुई है, केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार एंड स्थानीय निकाय, जिसको अगर हम देख लें अगर इंग्लिश में जो 3 लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि बताया, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। केंद्र सरकार के कुछ मुख्यमंत्री नीचे दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर टेबल में देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में बताया, नाम आपको पता ही है, श्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। उसी तरीके से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह। तो ये सारे के सारे कुछ मंत्री हैं जो केंद्र सरकार के हैं। इसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं कि दिल्ली राज्य में कौन कौन से मंत्री किस पद पे हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम इसी आंसर को इंग्लिश में भी देख लेंगे। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहले से दे रखा है, श्री अरविंद केजरीवाल, आपको पता ही होगा। स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन। शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया। कानून मंत्री श्री जितेंद्र सिंह तोमर। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री का मतलब हो गया फूड एंड सप्लाईज, मतलब फूड और सप्लाई के लिए जो जिम्मेदार है वो है श्री इमरान हुसैन। तो ये आपके सेम आंसर आपको इंग्लिश में भी हम दिखा देते हैं। इंग्लिश में भी आंसर सेम ही है, जस्ट दैट कि आपके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी पढ़ने के लिए। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये मंत्रालय जो है वो बदलते रहते हैं। तो आप सपोज करो साल, 2 साल या 5 साल बाद अगर आप फिर दोबारा सर्च करना चाहें तो आपका हो सकता है कि नाम बदल गए हों। तो ये हमेशा फिक्स नहीं रहते। तो जैसे ऐसे सरकार बदलती है वैसे वैसे पद के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी बदल जाते हैं। तो हमेशा इसके ऊपर रिसर्च करते रहे और ये आपको पता होना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर हो गए श्री जितेंद्र जैन, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए श्री मनीष सिसोदिया, गृह मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह तोमर, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हो गए श्री इमरान हुसैन। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और नेक्स्ट वर्कशीट में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।